गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 10, बलवान कौन। के हम पढ़ते हैं ये पार्ट। एक बार सूरज और पवन मीन्स हवा के बीच बहस छिड़ गई। सूरज और हवा के बीच बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा बलवान कौन है। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। दोनों के बीच की बहस बहुत देर तक चलती रही, मतलब सूरज और हवा में बहुत देर तक बहस चलती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। कुछ देर बाद दोनों ने देखा कि एक आदमी कंबल ओढ़कर जा रहा था। उसे देखकर हवा ने सूरज के सामने ये शर्त रखी कि जो भी इसका कंबल उतरवा देगा वही अधिक शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली माना जाएगा। सूरज ने हवा की शर्त मान ली। सूरज बादलों की ओट में छिप गया और उसने हवा से अपनी ताकत दिखाने को कहा। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वह बहुत तेज से बहने लगी। हवा तेज चलने के कारण उस आदमी को ठंड लगने लगी। उसने अपना कंबल और अच्छे से ओढ़ लिया। हवा ने देखा तो वह और तेजी से चलने लगी और थोड़ी ही देर में उसने तूफान का रूप ले लिया। उस आदमी से तेज हवा में चल पाना भी कठिन हो रहा था, इसलिए वह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। हवा उस आदमी का कंबल नहीं उतरवा सकी। उसका समय समाप्त हो चुका था। अब सूरज की बारी थी। सूरज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। सूरज तेज चमकने लगा। धूप तेज होने के कारण उस आदमी को गर्मी लगने लगी। उसे पसीना आने लगा। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। ये देखते ही हवा का घमंड टूट गया। उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए सूरज से कहा कि वास्तव में तुम ही अधिक ताकतवर हो। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, कि दूसरे की ताकत को भी समझना चाहिए, अपनी ताकत पे ही घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, अब ये अपना पाठ आप अपने पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।